नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं अपना जिला सीतामढ़ी के कुछ खास खबरें। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, सीतामढ़ी जिला के सुपी प्रखंड ग्राम बोगठा निवासी सिकंदर पासवान के घर में अचानक बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसके कारण से 3 घर जलकर राख हो गया है। और आग लगी के घटना के बारे में अभी घर वाले से पुण्य बात नहीं हो पाई है, पर ग्रामीण से पूछताछ करने पर ग्रामीण ने कहा कि बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसके कारण से 3 घर जलकर राख हो चुका है। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ग्रामीण का भीड़ है। लगभग यहाँ पर मौके पर उपस्थित ग्रामीण जो है हजारों की संख्या तो नहीं कह सकता, फिर भी 100-150 की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है। और इन ग्रामीण से पूछताछ करने पर ग्रामीण ने बताया कि ये बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूं, जब तक हमारी यहां के घर वाले से बात नहीं हो पाती है, जब तक मैं इस पर बिल्कुल डिसीजन फाइनल नहीं ले सकता कि आग कैसे लग पड़ी है। लेकिन इसके मामले को जाँच के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित हैं और अधिकारी लोग को भी सूचना दे दी गई है। फिलहाल मैं बताते चलूँ कि ये विजुअल अभी आप देख रहे हैं, जहाँ पर 3 घर सिकंदर पासवान के एक ही परिवार के जलकर खाक हो गया है। इसमें अनाज जो था और काफ़ी सामाने रखे हुए थे, कुल मिलाकर 3 लाख के प्लस की क्षति हो सकती है, लेकिन इससे कम की नहीं, जो ग्रामीण के पुष्टि हो रही है। यहाँ तक कि मैं बात बता रहा हूँ, फिलहाल अभी घर वालों से बात नहीं हो पा रही है, इसलिए कि यहाँ पर घर वाले जो है अभी बिल्कुल बेहोशी के हालात में है। ग्रामीण जो है यहाँ पर आग को काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जब तक मैं कोशिश करें ग्रामीण, तब तक यहाँ पर आग से जो देख रहे हैं धू धू करके बिल्कुल शमशान घाट की जैसे बन चुका है। फिलहाल ये विजुअल अभी आप देख रहे हैं बोगठा गांव की है, सिकंदर पासवान के घर की मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बहुत दुख भरी बातें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक ही परिवार के जब 3-3 घर एक साथ जल जाए तो बेचारे के दिल पर पत्थर जैसे, जो कहता किसी के दिल पर पत्थर रख देने वाली बात है, पहाड़ टूट जाने वाली बात है, ऐसी बातें ये सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी अफसोस की घड़ी लोग गिनती कर रही है। यहाँ पर ग्रामीण की आँखों में भी काफ़ी पानी आ रही है देख देख करके, किस प्रकार से बेचारे गरीब का घर जल चुका है। और इसमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन अधिकारियों को सूचना दे दी गई है और हो सकता है कि अधिकारी इस पर पहल करके तुरंत इसे रहने के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, ये विजुअल अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर धू धू करके घर जल रहा है। ये आशियाना उजर गया बेचारे का, सिकंदर पासवान जी का घर, और यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण का भीड़ है जो आपको देखने को मिल रहा है। ऐसी समस्या की घड़ी में सभी के आंखों में आंसू भर आई है। मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर पासवान जी के, जो घर जल रहा है धू धू करके। यहाँ पर ग्रामीण का भीड़ इकट्ठा है, सबके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है इस समय, और ये देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से धू धू करके घर जल रहा है, लेकिन लोग का होश उड़ा पड़ा है। मैं बात करूँ यहाँ के ग्रामीण का, तो किसी की बातों सुनने के भी लिए आप तरस रहे होंगे कि सबकी चुपकी लगी हुई है। यहाँ पर कोई बोल भी नहीं पा रहा कि अचानक ये घर में आग लगी तो लगी कैसे, लेकिन कुछ ग्रामीण का यहाँ पर कहना कि बिजली की शॉर्ट सर्किट से यह आग उठा है और इसी से आग लगी है, लेकिन इसमें हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब तक हमारे घर वाले से बात नहीं हो पा रही है, जब तक हम आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये घटना हुई है, आग लगी से 3 घर जला है और लगभग 3 लाख के आसपास की संपत्ति जो है जलकर खाक भी हो चुका है। आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें बोगठा ग्राम सुपी की।